राज्य में जनमंच कार्यक्रम जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद करने का जरिया बने हैं। इसके साथ ही लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर जल्द निदान भी सुनिश्चित हो रहा है। ये बात विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव विंधल ने हमीरपुर की लंबलू में जनमंच कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। जनमंच के दौरान हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की 12 पंचायतों लंबलू, बोणी, बफड़ी, ब्लोहसवाल, काले अम्ब, गसोता, डुग्गा, धरोग, धलोट, चमनेड़ तथा पधेड़ के अतिरिक्त आसपास की पंचायतों के लोगों की अपनी अपनी समस्याएं प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान व प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्प है तथा इस दिशा में नए कार्यक्रमों तथा योजनाओं को क्रियान्वित कर लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेयजल की बेहतर सुविधा तथा पुरानी स्कीमों के जीर्णोद्धार के लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आम जनमानस की समस्याओं का जल्द निदान सुनिश्चित करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम लोगों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। इस जनमंच कार्यक्रम के तहत 108 शिकायत पत्र प्राप्त हुए, जिनमें प्री जनमंच के तहत 63 तथा जनमंच कार्यक्रम के दौरान 45 शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं। इसमें जनमंच कार्यक्रम के दौरान 36 शिकायतें पत्रों का निपटारा किया गया। लंबित शिकायतों को 10 दिन के भीतर निपटारा करने के लिए कहा गया है। इस बाबत प्रार्थियों को सूचित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक दोनों ही विभागों द्वारा 206 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें 2 परिवारों के स्वास्थ्य कार्ड तथा 3 के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाए गए। जनमंच कार्यक्रम के तहत 109 इंतकाल भी किए गए। इसी तरह से बागवानी विभाग ने 5 बागवानी कार्ड भी बनाए गए, जबकि 40 प्रमाण पत्र, 2 हिमांचली वोनोफाइड प्रमाण पत्र भी बनाए गए। मुख्य अतिथि ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत लंबलू, दुगेड़ा, डुगली के 20 परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन भी वितरित किए गए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव विंधल ने एक बूटा बेटी के नाम कार्यक्रम के तहत पौधा भी रोपित किया। इस अवसर पर सदर चुनाव क्षेत्र के विधायक निंदर ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर, APMC के चेयरमैन अजय शर्मा, उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा, SP अर्जित सेन ठाकुर, ADC रतन गौतम, SDM इकबाल जाफर, SDM संदीप सूद के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यदा कदा आपके बीच में आता रहता हूँ, जितनी बार आता हूँ कुछ ना कुछ सीख करके जाता हूँ। हमीरपुर जिला हमें सदैव प्रेरणा देता है कि छोटा जिला होने के बावजूद जब राष्ट्रीय मानकों की स्थिति में हम हमीरपुर जिला को देखते हैं तो IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के मामले में हिमाचल में आप सबसे बेहतर स्थिति के अंदर पाए जाते हैं। जब हम MMR की बात देखते हैं, मदर मॉर्टेलिटी रेट की बात देखते हैं, तो उसमें भी आप सबसे बेहतर स्थिति में पाए जाते हैं। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के मामले में देखते हैं तो उसमें भी आप सारे भारत में सर्वश्रेष्ठ पाए जाते हैं। और प्रति जो शिक्षा का दर है उसके अंदर भी आप सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं। अनेक अनेक बातें सेना में अपना सहयोग देने में, भारत की सीमाओं की रक्षा करने में, एक्स सर्विसमैन के नाते समाज की सेवा करने में आप लोग अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ऐसी पवित्र धरा के ऊपर आप सब लोगों के दर्शन करने का सुअवसर मिला, मैं आपको नमस्कार कहता हूँ। धन्यवाद।